तो सबसे पहले अपने दिमाग का शुद्धिकरण करें। जहाँ पे कचरा बैठा हुआ है उस कचरे को शुद्धिकरण करने की जरूरत है। गजेंद्र झा ने ये कहा है, हम उन पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के तहत SC ST एक्ट लगाएंगे और उन पे FIR हो गया है और ये एक्ट लगा के उन पे कार्रवाई होगी। शराब पीते हैं क्या ब्राह्मण? बिल्कुल पीते हैं। मैं मिथिलांचल की बेटी हूँ, मैं मिथिलांचल में हमेशा। कहाँ से शराब आ रहा है? जो पीने वाला से जाके ना पूछिए, उल्टा जगह पे क्यों पूछ रहे हैं आप? नमस्कार, DTV भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों विवादित बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर अब वो कहीं ना कहीं विवादों में घिर गए हैं, जिसके बाद ब्राह्मण समाज द्वारा उनके घर को घेरने और शुद्धिकरण करने की बात कही गई थी। बीते दिन से जीतन राम मांझी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा बल हैं, अतिरिक्त सुरक्षा बल SAF और ARB के जवान जो हैं यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। कल से ही जो ये इनपुट आ रहा था कि मांझी जी के घर का घेराव किया जाएगा, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक भी हैं, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की सुरक्षा है यहाँ पर और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता भी हैं मांझी जी के आवास के बाहर। आपको बताते चले कि जो जीतन राम मांझी हैं उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर बयान दे दिया था और काफी अपशब्द भी कह दिए थे, जिसके बाद ब्राह्मण समाज द्वारा कई बार देखा गया है कि उन पर टिप्पणी की गई है। कई नेता थे, उन्होंने उनके जीभ काटने तक की बात कर दी गई थी। और क्या देखिए, ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक हैं जीतन राम मांझी, जिनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं। कुछ महिला कार्यकर्ता भी आई हुई हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, ब्राह्मणों द्वारा जीतन राम मांझी के घर को घेरने की बात कही गई है, शुद्धिकरण करने की बात कह रहे हैं। सबसे पहले तो वो जो घेरने की बात कर रहे हैं और शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग का शुद्धिकरण करें। जहाँ पे कचरा बैठा हुआ है उस कचरे को शुद्धिकरण करने की जरूरत है। हमारे मांझी साहब ब्राह्मण का हमेशा सम्मान किए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं और रहेंगे। तो कल उन्होंने बयान दे दिया कि जो ब्राह्मण शराब पीते हैं, शराब पीते हैं क्या ब्राह्मण? बिल्कुल पीते हैं। मैं मिथिलांचल की बेटी हूँ, मैं मिथिलांचल में हमेशा। 2016 में शराबबंदी हो गया, तो उसके बाद शराब कहाँ से आ रही है? कहाँ से शराब आ रहा है? जो पीने वाला से जाके ना पूछिए, उल्टा जगह पे क्यों पूछ रहे हैं आप? जाइए वहाँ पूछिए जहाँ लोग पी रहा है, कहाँ से लाके पी रहा है, कहाँ से नहीं पी रहा है। सवाल तो पूछेंगे ना, क्योंकि आप भी सत्ता में हैं। सत्ता में है तो सवाल पूछिए, लेकिन ऑथेंटिक सवाल पूछिए। जिसका न सर न पैर, उसका क्या पूछना? यानी कि शराबबंदी नहीं है बिहार में? शराबबंदी है और उसको सब समर्थन कर रहे हैं शराबबंदी का। कुछ लोग जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं, वो गड़बड़ करने वाले कभी भी गड़बड़ करेंगे। वैसे लोग तो भरे पड़े हैं, उसको ढूंढिए, खोजिए, उनको पूछिए ऐसा गड़बड़ी क्यों कर रहे हैं। कई नेता कह रहे थे उनकी जीभ काटने की बात कहे थे, 11 लाख रुपए देंगे, ये कैसा उचित है? ये इस जीभ काटने की बात को तो हम एकदम सर से ऊपर तक गलत कहते हैं। और जिसने भी ये कहा है, गजेंद्र झा ने ये कहा है, हम उन पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के तहत SC ST एक्ट लगाएंगे और उन पे FIR हो गया है और ये एक्ट लगा के उन पे कार्रवाई होगी। हम BJP के कार्रवाई का स्वागत करते हैं, उससे भी कम नहीं। वो तो अपने पार्टी से निकाले हैं। हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, हम दलितों के मान सम्मान का ठेस पहुंचा है, हमारे साहब को क्या है, हमारे साहब को जीभ काटने की बात कहा है उन्हें, और उनको किसी तरह से भी छोड़ा नहीं जाएगा। SC ST एक्ट लगेगा और हमें कानून पे, संविधान पे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। शुक्रिया। तो साफ तौर पर जो महिलाएं हैं उनका भी कहना है कि कानून पर हमें पूरा भरोसा न्याय मिलेगा। और दूसरी तरफ देख सकते हैं कि जो और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि करीब 12:30 बजे का समय दिया गया है ब्राह्मण समाज के द्वारा कि उनके घर का घेराव किया जाएगा, शुद्धिकरण की जाएगी। उसके बाद देखिए अतिरिक्त पुलिस बल है, वो भी आया हुआ है, सचिवालय थाना भी यहाँ पर है। और बीते दिन भी इनके द्वारा बयान आया था कि यहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और अब देखिए सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है। तमाम बिहार पुलिस के जवान हैं, साथ ही साथ सचिवालय इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और तमाम SAF के जवान भी यहाँ पर हैं। जो महिला कार्यकर्ता, उनका कहना है कि जो लोग जीतन राम मांझी के बारे में कह रहे हैं वो ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मण समाज के द्वारा जो गलत काम किया जाता है, यानी कि जो लोग शराब पीते हैं उनके खिलाफ हैं, और शुद्धिकरण की बात जो कह रहे हैं उस पर भी उनका कहना है कि उन्हें अपने दिमाग की शुद्धिकरण करनी चाहिए। जीतन राम मांझी ऐसे बयान कभी नहीं देते हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।